हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हो। हम यहाँ क्लास 9th का चैप्टर एक लेके आए हैं जो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, मेंसुरेशन। क्लियर है? मेंसुरेशन में बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत सारे फार्मूला जो है लर्न करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि सिलेंडर का हो गया, कोन का हो गया, स्फेयर का हो गया, क्यूब का हो गया, क्यूबॉइड का हो गया। तो यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि फार्मूला कभी कभी जो है दिमाग से निकल जाते हैं। तो आपको जो है हम दो फार्मूला दे रहे हैं। ठीक है, ये दो फार्मूला पे ही पूरा मेंसुरेशन खत्म। आज से आपको फार्मूला की जो है टेंशन जो होती है लर्न करने की, ये आपके दिमाग से, ये आपके दिमाग में कभी नहीं रहेगा कि मुझे फार्मूला लर्न जो है नहीं है। फार्मूला हमेशा आपको लर्न कर रहेगा आज के बाद। ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आपको इस चीज को अच्छे से समझना है कि देखो, किसी भी चीज का जो मेन बेस होता है, फंडामेंटल चीज, अगर उसको आपने नहीं समझा तो आपको हमेशा लाइफ में उसमें उस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम होगी, चाहे जो भी टॉपिक हो। ठीक है, तो ये फंडामेंटल चीज है मेंसुरेशन का, जिस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। तो हम यहाँ पर से कुछ फार्मूला लिखे हैं। ठीक है, ये दो फार्मूला, द लेटरल एरिया ऑफ अ सॉलिड इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है और ये कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इक्वल टू द एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब ये क्या, इसका मतलब क्या है, कि इसका यूज क्या है, कैसे करेंगे, तो हम यहाँ देखते हैं। क्लियर है? चलो तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्यूबॉइड का बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्यूबॉइड का आप अच्छे से इसको समझना, देखना। क्यूबॉइड बनाते हैं, क्यूबॉइड कुछ इस तरीके से बनाते हैं। कॉर्नर से कॉर्नर को आप ज्वाइन कर दो। ये एल सपोज कर लिए, एच, और ये बी एम सपोज कर लिए। इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं, क्यूबॉइड। क्लियर है? अब यहाँ पर सबसे पहले दो चीजें हमें समझ लेनी है। पहला, यहाँ पर एक फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके बेस का, इसका बेस जो है नीचे वाला जो बॉटम है, या ऊपर वाला बॉटम, मतलब ऊपर वाला जो इसका पोर्शन है, जैसे कि हम बात करेंगे तो कुछ इस तरीके का देखिएगा, रेक्टेंगल के आकार का। ठीक है ना, इसका शेप जो है रेक्टेंगल है, तो इसका हम जो है एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया इसका कितना होगा, रेक्टेंगल का शेप का है तो एल बी इसका एरिया होगा, सिंपल सी बात है। और पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर जो होगा इसका 2 × LB होता है, 2 × L+B, 2 × L+B। क्लियर है? तो पेरीमीटर हमने इसका देख लिया, जो इसके बॉटम है, नीचे वाले जो बॉटम है उसका हम एरिया देख लिया और पेरीमीटर देख लिया। अब इसी पर जो है इसका लेटरल एरिया और वॉल्यूम और टोटल एरिया सारे के सारे हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं दो वॉल्यूम। सीधा हम वॉल्यूम लिखते हैं। देखो यहाँ पर लैंग्वेज हम लिखेंगे दो वॉल्यूम फॉर क्यूबॉइड, तो ये हम जो है नहीं लिखने वाले। ठीक है, आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हो द वॉल्यूम फॉर क्यूबॉइड या कोई भी शेप हुआ, हम डायरेक्ट वॉल्यूम लिख रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, क्यूबॉइड का, तो वॉल्यूम इसका सिंपल सी बात, हमने क्या बोला है, एरिया ऑफ बेस। देखो, मेन बेस जो है, बेस इस तरह का है, इसका एरिया क्या है, एल बी है, तो हम यहाँ लिख लेंगे एल बी। और हमने क्या बोला है, जो पेरी सॉरी जो एरिया ऑफ बेस होगा इंटू, उसमें हाइट करना है तो इंटू इसमें हाइट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एल बी एच। जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वो हमारा एल बी एच हो गया। क्लियर है? यहाँ पेरीमीटर फाइंड करते हैं इसका, सॉरी पेरीमीटर कह रहे हैं यहाँ पर, ए लेटरल एरिया फाइंड करते हैं, लेटरल एरिया, लेटरल एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। लेटरल एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा हमारा, हमने बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर इसका कितना है, लिखते हैं 2 × L+B और इंटू हाइट, इंटू हाइट हमने लिख लिया। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा सही लगेगा देखने में। ये एच को हम इसके साथ ले लेंगे तो 2H हो जाएगा × L+B। तो ये हमारा जो है लेटरल एरिया निकल चुका है। ठीक है, किसका, क्यूबॉइड का। अब हम टोटल एरिया फाइंड करते हैं, टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब यहाँ टोटल एरिया क्या होगा, देखो लेटरल एरिया का मतलब क्या होता है, ये हम आपको समझाते हैं। लेटरल एरिया का मतलब होता है कि किसी भी शेप का ऊपर का और नीचे का पोर्शन अगर नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसे लेटरल एरिया कहते हैं। सपोज कर जैसे लाइक अ रूम, ये रूम की तरह एक दिख रहा है, तो रूम के चारों तरफ का दीवार रहेगा और नीचे का पोर्शन नहीं रहेगा, ऊपर का पोर्शन नहीं रहेगा, जो छत है वो नहीं रहेगा, नीचे का जो बॉटम फर्श है ये नहीं रहेगा। तो जो चारों तरफ से सिर्फ दीवार का एरिया हम फाइंड करेंगे, वो चारों दीवार का एरिया लेटरल एरिया कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पर से हम वही देखते हैं
कि टोटल एरिया कैसे फाइंड करें। सिंपल से लैटरल एरिया पहले लिख लेते हैं, 2h इनटू l प्लस बी। अब देखो लैटरल एरिया हमने लिख लिया, और इसके ऊपर का जो पोर्शन है, ठीक है ना, जो छत है, सपोज करो जैसे एक रूम मान लो, तो ऊपर का छत का एरिया और नीचे का बॉटम यानी फर्श का एरिया अगर प्लस इसमें कर दे तो टोटल एरिया हमारा मिल जाएगा। तो टोटल एरिया के लिए हम ऊपर का जो छत होगा कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के शेप का जो है बॉटम भी होगा और इसका छत भी होगा क्योंकि ये क्यूब वाइड है, तो इस तरह का होगा। तो इसका ऊपर छत का एरिया क्या हो जाएगा, एल बी हो जाएगा, और नीचे का बॉटम का एरिया क्या हो जाएगा, जो फर्श है उसका भी एल बी होगा। तो एल बी ऊपर का और नीचे का भी एल बी सेम एरिया होगा, तो एल बी टू एल बी हो जाएगा। अब यहाँ पर से जो है हम इसको अगर ब्रेक करते हैं तो कितना हो जाएगा, टू एच टू टू एच से हम एल में करेंगे टू एच एल हो जाएगा, यहाँ पर टू बी एच हो जाएगा और प्लस में टू एल बी, ठीक है। अब यहाँ पर से हम टू कॉमन ले लेते हैं, तो टू कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एल एच हो जाएगा यहाँ पर, ये एच एल को हमने एल एच कर दिया, क्लियर है, या एच एल ही आप लिखो कोई दिक्कत नहीं है, एच एल ही लिखो क्या दिक्कत, और बी एच ठीक है प्लस में एल बी। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसे और अच्छा करने के लिए हम ये कर देते हैं कि इसको लंबाई चौड़ाई और जो हाइट होता है उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं, एल बी तो हमने लिख लिया एल बी प्लस बी एच, हमने लिख लिया बी एच और उसके बाद लिखेंगे प्लस एच एल, क्लियर है, एल के बाद बी, फिर बी के बाद, फिर ये बी पर खत्म होगा, फिर बी से शुरू होगा बी एच, फिर एच पर खत्म होगा, एच से शुरू होगा एच एल, ठीक है, मतलब ये राउंड कर रहा है, ठीक है ना, मतलब एल के बाद बी, फिर बी से एच पर जाएगा, फिर एच से एल पर जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर से आप ये फाइंड कर सकते हो, देखो कितनी आसानी से हमें ये दो हमें फाइंड यहाँ फार्मूला से हो गया, और एक हमने फाइंड कर लिया इसमें जो लेटरल एरिया में जो ऊपर और नीचे का पोर्शन है वो ऐड कर देंगे, सिंपल ही निकल गया। अब इसी तरह का शेप जो होता है सेम आपको देखने को मिलेगा किसमें, क्यूब में, तो उसका भी हम देखेंगे। और सबसे पहली बात हम पेरीमीटर इसका देख लेते हैं, किसका, क्यूब वाइड का, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे किसी डब्बे को, जैसे सपोज करो आप कहीं गिफ्ट लेने के लिए जाते हो तो उसके चारों तरफ जो है लेस वगैरह लगाते हैं सजाने के लिए, तो कह देगा कि इसके जो एज है इस पर जो है लेस लगाना है या कुछ भी लगाना है सजाने के लिए, तो पूरे एज पे अगर लगाना है इसके, तो इसके टोटल एज कितने हैं, 12 एज है, तो इस 12 एज पर लगाने के लिए जो हमें लेस की लंबाई, लेंथ हमें मिलेगी वो कितनी लेंथ होगी, तो हम यहाँ पर से देख लेते हैं। तो ये आप ये भी एक्स्ट्रा एक फार्मूला लर्न कर सकते हो, ठीक है, द पेरीमीटर या टोटल लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब वाइड लिख सकते हो, या पेरीमीटर लिखो कोई दिक्कत नहीं, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ क्यूब वर्ड, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, फोर इंटू एल प्लस बी प्लस एच। अब ऐसा क्यों, तो देखो इसमें अगर देखें हम गौर से तो इसमें चार लंबाई वाले जो है, चार लंबाई वाले आपको देखने को मिलेंगे, जो लेंथ है, एज जो है इसका, एक एज ये हो गया लंबाई वाला, एक ये हो गया, एक ये और एक अंदर का, उसी तरह ऊंचाई एक आपके ये देखने को मिलता है, एक ये और एक ये और एक ये, चार एच है, उसी तरह चार बी भी है, यानी कि फोर हम कॉमन लिए तो फोर इंटू एल प्लस बी प्लस एच हमारा ये हो गया द पेरीमीटर ऑफ ए क्यूब वाइड। इसको हम ये भी लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब वाइड, क्लियर है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया, तो अब इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, क्लियर है, तो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि अब हम इसको रब करने जा रहे हैं। अब इसी पर हम देखते हैं सेम दूसरा, इसके बाद क्यूब वाइड के बाद आता है क्यूब, तो क्यूब का हम देखते हैं, क्लियर स्टूडेंट, ये हम देख चुके हैं। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं क्यूब का, अब क्यूब का देखते हैं, क्यूब कुछ इस तरीके का दिखता है ना, ठीक है, और इसके नीचे का बॉटम यहाँ पर हम जो है ड्रॉ कर लेते हैं, और इसके बॉटम का एरिया क्या हो जाएगा, हम एरिया फाइंड कर लेते हैं इसका, हम ए स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि जो अगर इसकी लेंथ को हम ए सपोज करेंगे इस सारे लेंथ ये हो जाएंगे इसके, ठीक है, और इसका एरिया फाइंड करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। आप स्क्वायर का एरिया देख रहे होगे, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, 2D फिगर में पढ़ा होगा आपने, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, ठीक है, साइड इंटू साइड जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पेरीमीटर कितना हो जाएगा,
पेरीमीटर इसका जो हो जाएगा 4, ये होता है यानी 4 इंटू साइड। ठीक है, अब ये दो चीज हमने एरिया और पेरीमीटर लिख लिया, इसको हम बोलते हैं क्या है, क्यूब बोलते हैं, क्लियर है। अब इसका हम देखते हैं सबसे पहले वॉल्यूम, द वॉल्यूम सीधा हम लिखते हैं वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने लिखा एरिया इंटू में हाइट। एरिया यहाँ पर देखा जाए तो एरिया हमारा ए स्क्वायर है, ठीक है, इसके बेस का जो एरिया ए स्क्वायर है, वॉल्यूम निकालने के लिए इंटू में एच। ठीक है, अब एक चीज यहाँ देखते हैं, अगर इसके साइड को हमने ए माना है तो इसमें सारे लेंथ इक्वल होते हैं, तो ए ए ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई सभी इसमें ए हो गए, तो यहाँ पर वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं वॉल्यूम इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेते हैं ए स्क्वायर और इंटू में ये होता है एच, इसमें जो हाइट इसकी क्या है, हाइट भी ए है, यानी इसमें सारे लेंथ इक्वल होते हैं, सारे जो एज होते हैं, सारे एज की लंबाई जो है सेम होती है, यहाँ पर एच भी इसका क्या है, ए है। यहाँ से हमने ए स्क्वायर इंटू ये ए का पावर 1 हिडन है, तो ये हम जो है ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा ए क्यूब, आप क्यूब का वॉल्यूम देख सकते हो, ए क्यूब आपको मिल जाएगा, क्लियर है। और उसी तरह लेटरल एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लेटरल एरिया हम यहाँ देखते हैं, लेटरल एरिया, लेटरल एरिया आप यहाँ पर हम पहले पेरीमीटर लिखते हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या है 4a और 4a और यहाँ क्या करते हैं h करते हैं, तो इंटू h लिख लेते हैं, अब 4a इंटू, अब यहाँ बताओ h का वैल्यू क्या है, h इसमें जो है ऊंचाई क्या है, इसमें a ही है ऊंचाई, तो यहाँ से h का वैल्यू हमने a लिख लिया, यहाँ पर कितना हो गया लेटरल एरिया इसका, कितना हो गया 4a स्क्वायर, क्लियर है। चलो 4a स्क्वायर हमने लिख लिया, अब टोटल एरिया फाइंड करते हैं, टोटल एरिया फाइंड करते हैं, तो 4a स्क्वायर लेटरल एरिया, अब प्लस में आपको बताया था लेटरल एरिया में अगर ऊपर और नीचे का पोर्शन का ऐड कर दे तो वहां पर से टोटल एरिया निकल जाएगा, तो ऊपर का जो मतलब शेप है, ठीक है ना, तो ऊपर का पोर्शन का जो शेप है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है, स्क्वायर के शेप का, क्यूब का अगर देखे तो उसका ऊपर का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, नीचे का बॉटम का देखे तो वो भी कुछ इसी शेप का होता है तो उसका भी एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ए स्क्वायर ऊपर का, ए स्क्वायर नीचे का, 2a स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। आप ये फार्मूला देख सकते हो बुक में भी, और यहाँ पर आप एनसीईआरटी बुक में या किस कुछ और मतलब जो बुक होते हैं उसमें कभी एल स्क्वायर दिया रहता है, तो एल और ए यहाँ पर सिंपल है, ए को एल बना दिया सिंपल, तो ऐसा नहीं है, ये अलग फार्मूला, ये अलग है, सेम फार्मूला है, क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसको नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि अब इसको हम इरेज करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, हाँ एक चीज और इसमें बच गया था, इसमें क्या बच गया था, तो इसका पेरीमीटर आपको नहीं लिखे हैं, इसका पेरीमीटर लिख सकते हो, हाँ पेरीमीटर ऑफ अ क्यूब, या आप ये लिख सकते हो द टोटल लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 12a, क्लियर है स्टूडेंट। तो आप इसको नोट कर सकते हो,